clip it there. And by the time it will come on television, it will already be done. So might as well say. I mean, actually, मैं खुद ही भूल गई. इतने सारे, बहुत सारे गानों में, मतलब इस साल के जितने भी हिट गाने हैं, हम सब में परफॉर्म कर रहे हैं. कुछ बेली वगैरह होने वाला है आपके साइड से? क्यों ऐसा लग रहा है? वो छिल छिल देख के, हाँ, वो साकी साकी है. Yes, I thought so. Okay, so इसके अलावा, you know, ये तो हो गया New Year का जो आज night blast होने वाला है वो, but इसके बाद कल का क्या plan होने वाला है आप दोनों का? बहुत सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे 31st का परफॉर्मेंस करते हैं और उसी रात की फ़्लाइट होती है हमारी इंडिया के बाहर, कहीं बाहर चले जाते हैं छुट्टियों के लिए. लेकिन इस बार कुछ 4-5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम है और इसके बाद हम कहीं जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं वो हम अभी आपको तो नहीं बता पाएंगे. डेफिनेटली कल हम बॉम्बे में ही. हाँ, अच्छा. और इसके बाद फिर जो प्लान होने वाला है, इससे थोड़ा सा अपसेट है कि पोस्ट को नहीं जा रही हैं और थोड़ा फर्स्ट को नहीं जा रहे हैं. फॉर श्योर, फर्स्ट को हम लोग अभी लोगों से मिलेंगे. आज एक्चुअली हम लोगों ने काफ़ी दिनों से हम लोग बोल रहे थे कि कांदिवली में आ रहे, बहुत लोग पूछ रहे थे कि हम लोग आएंगे, मिल पाएंगे क्या. तो हम लोगों ने पर्सनली सबको बोला है कि आप एक बार पहुंच जाइए और देखिए हम मिलते हैं कि नहीं. तो आई थिंक आज बाहर बहुत सारे लोग आए हुए हैं हमसे मिलने के लिए खास तौर पे. सो आई थिंक इन लोगों से ही आज मिलते मिलते हम लोगों को काफ़ी लेट या सुबह हो भी सकती है. तो कल का तो कोई प्लान नहीं है. एंड कोई न्यू ईयर का रिजोल्यूशन इस साल का? यार हर साल हम कुछ ना कुछ प्लान करते हैं और करते भी हैं, तो आई थिंक हर साल क्यों यार, रोज़ आप सोचो कुछ अच्छा अपने लिए, लोगों के बारे में. इनफैक्ट इस साल मैं ये कहना चाहूँगा अपने जितने भी फैंस हैं कि आप सिर्फ अपने बारे में मत सोचो और लोगों के बारे में सोचो, लोगों की हेल्प करो. और इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है जब आप किसी की हेल्प करते हैं. फैंटास्टिक यादें रहीं 2019, बहुत ही अच्छा रहा हमारे लिए और कुछ ना कुछ नया होता रहा 19, और आशा यही करते 2020 जो है वो और भी एक्साइटिंग हो. कहना ये चाहूँगी कि हर साल हम लोग साल की शुरुआत करते हैं कंट्री क्लब के लिए परफॉर्म करते हुए. लास्ट ईयर हमने परफॉर्म किया था दिल्ली में, एक अलग फ्लेवर था और एक अलग माहौल था वहाँ पे. और जो भी था, एट द एंड ऑफ द डे वी वर परफॉर्मिंग एंड वी वेलकम द न्यू ईयर. और इस साल भी हम लोग मतलब साल को एंड कर रहे हैं परफॉर्मेंस के साथ एंड वेलकमिंग द न्यू ईयर विद अ परफॉर्मेंस. आई थिंक और इस साल तो ज़्यादा खास है क्योंकि आज हमारे साथ राजीव है यहाँ पे. नॉर्मली ये बिल्कुल भी रहते नहीं है, ये कहीं ना कहीं बाहर रहते हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं. इस बार इनको मैंने रिक्वेस्ट करके बुलाया राजीव को और कहा है कि राजीव आपको देखना है परफॉर्मेंस करते हुए, क्योंकि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमेशा मीडिया के साथ रहते हैं लेकिन ये कभी नहीं रहते हैं. तो बॉस को आज यहाँ पे बुला लिया है, तो आज आप इनका रिएक्शन देखना कि ये कितने खुश होते हैं हमारे परफॉर्मेंस से. व्हाट डू थिंक राजीव? No, I'm so happy because I mean you have seen already the first dance of him, and it was really amazing. I was watching from the terrace, and there's absolutely no doubt that we are virtually sweeping the markets in Bombay. I mean, this is bahut khushi ki baat kya hai, bolte ho. I mean, after 30 years after the country club was being formed, aaj today more than 3 lakh people are participating in the country club programs across the country and the Middle East. So, I mean, it is not a joke. I mean, no other industry gives you the benefit of making the members happy, making the members smile, making the members dance and all that. Only country club. So, I mean, it is not a question of money, it is not a question of anything else. But then, the fact is, when I was watching the audience from the top, from my chairman's terrace and all that, I was so delighted because ultimately, khushi ki baat kya hota hai when you see young people, 2 years old people, 70 years old people dancing and all that, that gives you the ultimate pleasure. I mean, it is no other industry in the world. You take it IT, you take any other industry, can give you the pleasure there of making people smile, dance, and you know, full of laughter and all that. True. So, I mean, I think I am blessed. Okay, so aakhri ke kuch ghante keh sakte hain bache hain New Year ke liye. Last kya words kuch kehna chahenge apne fans se? हम तीनों एक साथ एक्चुअली विश करते हैं आप सभी को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं नए साल की, और ऐसे ही खुशियां मनाते रहें और बांटते रहिए. विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर, एंड जिस तरीके से यू हैव ऑलवेज लव्ड अस, कीप लविंग अस, बिकॉज वी विल नेवर सीज टू एंटरटेन यू. द वे ही सेड, नो अदर इंडस्ट्री कैन गिव हैप्पीनेस एंड स्माइल टू समबडीज़ फेस एट दैट मोमेंट.
So I think we are all lucky to be a part of that industry who is spreading happiness and I mean when you forget all your worries and tension on the side and you just feel happy. So happy New Year. Thanks. Okay, Ganesh, thank you so much. Yeah, I mean what Debina said is really nice. I mean this year, I mean this decade, not only year, we are definitely going to concentrate on making sure that all the members are healthy, happy, and then, well, excited. Thank you, guys. Thank you so much. Rohit, ready again?